इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को पत्रकार विमल यादव को बेखौफ अपराधियों ने उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दिया। हालांकि अररिया पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इधर पत्रकार की हत्या से बिहार के तमाम संगठन बिहार सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित सुपौल जिले के वीरपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मिथिलेश झा की अगुवाई में आक्रोश मार्च हटिया चौक से निकलकर गोल चौक पर सभा में तब्दील हो गया। देखिए रिपोर्ट, पत्रकारों ने जहां बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला, क्या कुछ कहा, सुनिए टीजीएन 24 न्यूज पर। कार जोर से बोले परिचय। नमस्कार, जैसा कि आपको पता होगा कि अररिया जिले के हमारे एक साथी पत्रकार साथी जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, आज इसी घटना के विरोध में हम लोगों ने वीरपुर नगर पंचायत के पुरानी बाजार से गोल चौक तक नारेबाजी करते हुए आक्रोश मार्च निकाला है और सरकार से हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को जो उचित मुआवजा मिलना है वो तय करे और जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान करे और भविष्य में पत्रकार के लिए ऐसा कानून बनाए सरकार कि पत्रकार के खिलाफ ना कोई आवाज उठे और दमनकारी नीति सरकार की बंद हो। धन्यवाद। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे तमाम साथियों, आज हमारे 20 से एक हमारे साथी घटना के शिकार हो गए, जो कि साफ प्रशासन की नाकामी को साबित करता है। इसके लिए हम बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे जिस साथी का इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है उसकी न्यायिक जांच हो, उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही इस केस में एसपीडी ट्रायल लाकर के जल्द से जल्द सजा देकर इस कांड का निष्पादन किया जाएगा। साथ ही मैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से भी यह आग्रह करता हूं कि हमारे पत्रकार बंदियों के लिए जो सुरक्षा कानून है जिस पर अभी भी पार्लियामेंट में बातें चल रही है उसको अति शीघ्र लागू किया जाए ताकि हमारे पत्रकार, हम सभी लोग निष्पक्ष रूप से अपनी लेखनी को खोल सके और बेबाक लिख सके, जनता की समस्या को आप तक, सरकार तक पहुंचाने का बेबाक कार्य कर सकूं। इसी के साथ मैं विमल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे तमाम साथियों ने जिस कदर आज एकजुट होकर के एकता का परिचय दिया है, हम हर समय ऐसे अवसर पर एक होकर के अपने एकता का चट्टानी परिचय देंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इस दुख के बेला में, दुख की जो घड़ी है, हमारे एक साथी अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के पत्रकार विमल कुमार यादव जी बेखौफ अपराधियों के द्वारा उनके घर में गोली मार दी गई। ये बिहार की जो सरकार है, गुंगी और बहरी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। कहते हैं फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वह समा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम निकम्मी हो, निकम्मी रहो और हमारी कलम चलती है और चलती रहेगी। ये गोली और बारूद से तुम जो पत्रकारों को डराना चाहते हो, पत्रकार डरने वाला नहीं है। जिस दिन कलम जेब में लिया उस दिन से ये प्रण लिया है कि मुझे सच दिखाना है तो दिखाना है। तुम चाहे जितना भी गोली चलवा लो, ये निकम्मी सरकार नीतीश कुमार की गोंगी और बाहरी सरकार है। मैं इस सरकार, ये गोंगी बाहरी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पत्रकारों का जो संगठन है, पत्रकारों की जो सुरक्षा है, वो कानून लागू हो और हमारे जो दिवंगत पत्रकार हैं विमल कुमार यादव जी के परिजन को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिले और उनके परिवार को एक नौकरी मिले। इसी शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार एक।